सलाम वालेकुम कैफायतुल्लाह सनाबली साहब, मैं पूछूं इनसे। मैं मुख्तसर जो है भाई के जो सवाल है वो मैं किफायत को बता देता हूं। सुलह हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु जो हुई थी हजरत अमीर मुआविया से, उसमें जो शर्तें हुई थी उन शर्तों पर गुफ्तगू होते हुए बात इस पर आई कि फतहुल बारी में कहीं ये बात मौजूद है कि हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये शर्त भी रखी थी कि वो अपने बेटे को खलीफा नामजद नहीं करेंगे, यानी ये बात भी आई। तो क्या ऐसी भी कोई बात साबित है कि ऐसी भी कोई शर्त रखी गई थी, और वो क्या शर्त थी जिस पर इख्तलाफ चल रहा है, यानी कि हजरत हसन रजी अल्लाह तआला ने रखी थी और हजरत अमीर मुआविया ने नहीं पूरी की थी, क्या ऐसी कोई चीज थी? ये सवाल है। देखिए, सही बुखारी की जो रवायत है, सही बुखारी में सिर्फ और सिर्फ दो ही शर्त का जिक्र है। एक तो ये कि खून खराबा ना हो, उसकी वजह से सुलह हो रही है, और दूसरी ये कि जो वजीफा मिलता आ रहा है हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत में, जो वजीफा मिल रहा था उनके जिन लोगों को, वो वजीफा बंद ना किया जाए, वो पैसा बंद ना किया जाए, ये एक चीज़ है। और दूसरा है कि बहुत ज्यादा खून खराबा हो चुका है, इसलिए हम सुलह कर रहे हैं। तो ये दो ही चीज सही सनद से साबित है जो हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से पेश की गई और अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला ने उसको तस्लीम किया। इसके अलावा ये कि आप अपने बेटे को खलीफा नहीं बनाएंगे, ऐसा किसी भी सही रवायत में मौजूद नहीं, और उस वक्त यानी सुलह के वक्त जो है ऐसी कोई तजवीज़ भी नहीं पेश आई थी, ऐसी कोई बात भी नहीं किसी ने पेश की थी, ऐसा कोई वहमोगुमान भी नहीं था कि उनके बाद जो है उनका बेटा खलीफा बनेगा, वो चीज़ किसी के हाथ के ख्याल में भी नहीं थी। इसलिए यह सब बेबुनियाद बात है। अगर किसी रवायत में हो भी तो उसको देखना पड़ेगा कौन सी रवायत में आप पेश करें, उसको देखेंगे, लेकिन हमारी मालूमात में ऐसी कोई सही रवायत मौजूद नहीं। सही बुखारी की रवायत हमारे सामने, उसमें सिर्फ दो चीज़ें। हदीस तो नहीं, ये बात क्लियर हो चुकी है, वो या तो तारीखी रिवायत है तो शरा रिवायत फतुल बारी से या तो वो पेश करता है या तो अल इस्लाह या आपसे पेश करता है। अगर तारीखी रवायत में भी है तो वो कहाँ पे है, जरा उसको हमारे पास भेजिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसने वो तारीखी रिवायत का अरबिक टेक्स्ट पेश नहीं किया, उसने तारीखी रिवायत का जिसकी बात हो रही है आप लोग समझ गए होंगे, उसने अरबिक टेक्स्ट नहीं पेश किया, वहां पे इंग्लिश में उसने अपनी इंटरप्रिटेशन लिख दी और इसकी वजह से उसने ये इम्प्लीमेंट कर दिया कि उन्होंने शर्तें तोड़ी, दैट्स व्हाई ही इज नॉट वर्दी ऑफ फॉलोइंग, मतलब या फिर उनकी इज्जत भी करनी नहीं चाहिए, बस नाम के लिए रदिया लगाते हैं। हो सकता है वो बंदा ऐसे कयास आ रही कहते। एक बात जो मशहूर है कि ये शर्त रखी गई थी कि अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अपने बाद खिलाफत यानी उनकी अगर वफात होती है तो वो हसन रजी अल्लाह तआला को नामजद कर देंगे, ये रिवायतों में मिलता है। लेकिन हो सकता है इसी को किसी ने ये माना पहना दिया हो कि नहीं वो अपने बेटे को नहीं बनाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। रिवायतों में ये है कि हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी में अगर मुआविया रजी अल्लाह की वफात होती है तो मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु नामजद करेंगे हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु को। लेकिन ये जो शर्त है ना, ये हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नहीं रखी थी सुलह के वक्त। ये जो रवायतों में मिलता भी ना, जैसे इब्ने साद वगैरह की रवायत है, जितनी भी रवायत उठा के देखेंगे उसमें आपको ये मिलेगा कि मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद अपनी तरफ से बात की थी, उन्होंने खुद यानी सबसे पहले जो सुलह की पेशकश हुई थी रवायतों में मिलता है, वो सबसे पहले मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से हुई थी, उसको रिस्पॉन्स किया था हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो उन रवायतों में मिलता है। सही बुखारी की रवायत की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इब्ने साद वगैरह की रवायत है, वहां पे ये मिलता है कि मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सुलह की पेशकश की, हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बने तो उनके सामने ये बात रखी कि देखिए ये मामला जो है अगर हम सब मिल जाते हैं, सुलह हो जाती है, तो अगर मैं इसको मामले को संभालता हूँ तो मेरी अगर आप मेरी जो है आपकी हयात में मेरी वफात होती है तो आपको नामजद कर दिया जाएगा, मेरे बाद आप इसको संभालेंगे। तो ये मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से एक ऑफर था जिसको हसन रजी अल्लाह तआला ने कोई अहमियत नहीं दी। जब सुलह होने लगी, ये सुलह से पहले की बात है कि उन्होंने एक प्रपोजल रखा था कि मेरी हयात अगर आपकी हयात में मेरी मौत होती है तो मेरे बाद आप संभालेंगे, लेकिन इस प्रपोजल पर हसन रजी अल्लाह तआला ने इसकी कोई अहमियत नहीं दी। और जब बाद में सुलह हुई, ये सुलह से पहले की बात है, जब सुलह हुई तो उस वक्त इस बात पर कोई डिस्कस नहीं हुआ, ये बात बिल्कुल नहीं आई कि अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला की जिंदगी में हसन रजी की जिंदगी में अगर मुआविया रजी अल्लाह की वफात होती है तो हसन रजी को नामजद करेंगे, ऐसी कोई बात शर्त होते यानी सुलह होते वक्त ऐसी कोई दफा नहीं आई थी, ऐसी कोई बात नहीं रखी गई थी। और अगर आप मान भी लें, बिलफर्ज मान भी रहे कि ऐसी कोई बात थी भी, तो उस रवायत में जो इब्न साद वगैरह की रवायत, उसमें ये शर्त है कि अगर हसन जिंदा रहेंगे तो, लेकिन रवायत क्या बताती है कि मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की हयात ही में, उनकी जिंदगी ही में हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात होगी।
इसलिए अगर वो इसकी कोई शर्त थी भी तो भी वो जिस अल्फाज के साथ वो रवायत में बात मिलती है ना, अब उसकी तनफीज की कोई वजह नहीं थी क्योंकि हसन रजनो मौजूद ही नहीं थे। ऐसा नहीं रैनी रवायतों में मिलता है ना, वहां भी सिर्फ हसन रजनो की बात मिलती है, ये नहीं मिलती है, ये बात नहीं मिलती है कि अगर आप अपने बाद हमारे खानदान को सौंप देंगे, ऐसी बात नहीं है जो रवायतों में, वो ऐसी बात नहीं है कि हमारे खानदान को सौंप देंगे। वो सुलह से पहले अमीर मुआविया रजनो की तरफ से जो बात आई थी वो ये बात नहीं आई थी कि हमारे बाद आपके खानदान को सौंप देंगे, बात ये थी कि मेरे बाद अगर आप जिंदा, वो भी शर्त के अगर आप जिंदा हैं तो ये आपके हवाले कर दिया जाएगा। तो ये वो शर्त है जिसका लोग बार बार तकरार करते हैं, लेकिन याद रहे मैं फिर दोहराता हूँ कि ये मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से पेशकश थी, लेकिन बवक्ते सुलह हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु इसको कोई अहमियत नहीं दी। और दूसरी तरफ जितनी रवायात हैं यानी आमिर जमा के बाद इख्तलाफ खत्म होने के बाद मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के खलीफा बनने के बाद जितनी रवायात हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु से मिलती है, जितना स्टेटमेंट उसे मिलता है, उन सब में उनका एक ही स्टेटमेंट है कि मैंने खिलाफत को छोड़ दिया है अल्लाह की रजा के लिए, मैंने उसे तर्क कर दिया, छोड़ दिया है। ऐसा कहीं हसन रजी अल्लाह तआला ने नहीं कहा कि मुआविया के बाद हमारे हाथ में आएगा। जैसे वो रवायत है कि अहले कूफा के खतूत आते थे, हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास अहले कूफा के खतूत आते थे, तो हसन रजी अल्लाह तआला क्या फरमाते थे, कहते थे कि हमने तो अल्लाह की मर्जी के लिए इसको छोड़ दिया है, अब हम इसकी तरफ निगाह नहीं डालने वाले, अब हमें इसकी कोई ख्वाहिश नहीं है। वो खतूत खोल के देखते ही नहीं थे, हालांकि अगर ऐसी कोई बात होती तो रिप्लाई कर सकते थे कि भाई तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो, अगर ऐसी कोई इनके बाद तो हमारा नंबर है, यानी ये सुलह हो गई, यहाँ तक आप सब्र कीजिए, चुप रहिए, अगर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु होती है तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी, लेकिन नहीं। और एक रवायत में तो यहाँ तक कहा है हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कि जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे अपनी जात से कोई खतरा नहीं, यानी मुझे अहले कूफा नहीं भड़का पाएंगे। लेकिन एक रवायत में कि हुसैन रजी अल्लाह तआला ने इशारा किया, अशारा इलल हुसैन, कहा कि मुझे डर है इनसे कि कहीं अगर मैं नहीं रहा और इनका मामला आया तो कहीं ऐसा ना हो कि इन खतूत से ये किसी तरह से इनके धोखे में आ जाए और कोई मसला हो जाए। तो ये सारी रवायात हसन रजी की बताती हैं कि सुलह के वक्त ऐसी कोई बात नहीं तय हुई थी कि मुआविया रजी अल्लाह की वफात के बाद ये खिलाफत हमारे खानदान को लौटानी है, हमको देना है, ऐसा कोई मुआहदा नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। रवायत में सिर्फ ये मिलता है कि मुआविया रजी अल्लाह ने कहा था बस, लेकिन हसन रजी की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं थी, ना उन्होंने सुलह के वक्त रखा, सिर्फ दो बातें रखी थी, एक क्या खून खराबा ना हो, और दूसरा ये, एक तो खून खराबा ना हो, दूसरा ये कि हमारे अगर खिलाफत में जिन लोगों को जो जो वजीफे मिल रहे थे वो वजीफे आप देंगे, ऐसा ना वजीफा ना मिले तो कुछ बगावत करते हैं, कोई कितना फसाद करते हैं, किसी को पैसे आप देते रहे, तो मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने दोनों बातों को मंजूर किया और खून खराबा भी रख दिया। पूरी उम्मत में कहीं कोई आपस में जंग नहीं हुई, कोई खून खराब आपस में कोई खाना जंग नहीं हुई, और ना ही मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने किसी का वजीफा रोका, बल्कि और बढ़ा दिया, जैसे जैसे बात बैतुल माल मजबूत हुआ जैसे जैसे और वो बढ़ाते गए। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आए। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। जजाकल्लाह खैर, वस्सलाम अलैकुम।